चुनाव घोषणा से पहले था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक दल ने उसका फैसला किया, उनके नेतृत्व में हरियाणा तरक्की करेगा। कल और शर्मा ने उसकी क्या तैयारी है, कल भी कोई बड़ा तोहफा देंगे हरियाणा को? नहीं, कल का तो मुझे पता नहीं। हाँ, नौकरी का दे दिया कल, अभी कहा है आपके सामने, कहा कि भाई 24,000 नौकरियां शायद डिक्लेयर कल हो रही है। मनोहर लाल जी ने 9.5 साल हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया, उनके कारण ही तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अरे इससे खुशी की क्या बात होगी कि प्रदेश में पहली बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज तक कोई प्रदेश में दोबारा से तीसरी बार सरकार नहीं बनी और ये भाजपा की नीतियों का ही नतीजा है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन रही है। भाजपा की नीतियां ये भी रही हैं कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पे उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इस बार क्या कुछ रहने वाला है? राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, इसका कल पता लगेगा। प्रस्ताव किसने रखा सर? प्रस्ताव इसका कृष्ण बेदी जी ने रखा और अनुमोदन अनिल बिज ने किया। चुनाव घोषणा से पहले था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक दल ने उसका फैसला किया, उनके नेतृत्व में हरियाणा तरक्की करेगा। कल और शर्मा ने उसकी क्या तैयारी है, कल भी कोई बड़ा तोहफा देंगे हरियाणा को? नहीं, कल का तो मुझे पता नहीं। हाँ, नौकरी का दे दिया कल, अभी कहा है आपके सामने, कहा कि भाई 24,000 नौकरियां शायद डिक्लेयर कल हो रही है। मनोहर लाल जी ने 9.5 साल हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया, उनके कारण ही तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अरे इससे खुशी की क्या बात होगी कि प्रदेश में पहली बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज तक कोई प्रदेश में दोबारा से तीसरी बार सरकार नहीं बनी और ये भाजपा की नीतियों का ही नतीजा है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन रही है। भाजपा की नीतियां ये भी रही हैं कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पे उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इस बार क्या कुछ रहने वाला है? राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, इसका कल पता लगेगा। प्रस्ताव किसने रखा सर? प्रस्ताव इसका कृष्ण बेदी जी ने रखा और अनुमोदन अनिल बिज ने किया।